हेलो स्टूडेंट्स सो आज हम ऑफ शोल्डर की ड्राफ्टिंग सीखेंगे ओके ऑफ शोल्डर ये नेक लाइन है जो कि वाइडर uh, हो जाती है शोल्डर के वहां पे, ओके okay? उसकी वजह से शोल्डर uh, का पार्ट ओपन रहने की वजह से वो एक्सपोज हो जाता है सो इसमें मोस्टली वाइडर शोल्डर दिखते हैं आपको तो ऑफ शोल्डर में ये फिफ्टीज के एरा में बहुत पॉपुलर हुई थी ये नेक uh, लाइन्स ओके okay, सो so ये ऑफ शोल्डर का पैटर्न आप देखते हो टॉप्स में आपको दिखते हैं ट्यूनिक्स में ड्रेसेस uh, में एंड वन पीस सो हर एक पैटर्न्स में आपको ऑफ शोल्डर का पैटर्न ऑफ शोल्डर नेकलाइन का पैटर्न आपको दिखता है ओके सो ऑफ शोल्डर में आपको यहाँ पे दिख रहा है एक नंबर ऑफ पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुए हैं जैसे वी शेप ऑफ शोल्डर है जो कि टॉप्स uh, में एंड वन पीस में बहुत ज्यादा दिखते हैं सो so, ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे शोल्डर के वहां यह पे, uh, okay? so, पे आपको दिख रहा है ये पोर्शन यहाँ पे बहुत फिटेड रहता है ओके सो ये मोस्टली फिटेड गारमेंट में ऑफ शोल्डर नेकलाइन यूज होती है एंड देन जस्ट ये जो पोर्शन है वी शेप में इसको ऑफ शोल्डर क्रिएट किया है लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है ये इमेज में थर्ड इमेज में फ्रिल okay? okay? so अटैच uh, 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 की है ऑफ शोल्डर के नेकलाइन के वहां पर विद्प ऑफ इलास्टिकेशन यहाँ पे uh, वो फिक्स बैठी है नेकलाइन एंड फोर्थ वन में सेम हॉरिजोनटल जो वन पीस है उसमें ऑफ शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है ओके okay? सो uh, so, एक एक करके हम इसकी ड्राफ्टिंग सीखेंगे सो फर्स्टली जो है तो वी शेप का जो पोर्शन आता है जैसे ये आपको यहाँ पे इमेज में दिख रही है ये जो पोर्शन है ये है वी uh, शेप में ऑफ शोल्डर का पैटर्न सो so, उसके लिए आपको जो बेसिक ब्लॉक है आपका जो बेसिक ब्लॉक आपको दिया है सिखाया है ओके फोर डार्ट वाला वो बेसिक ब्लॉक आपको ट्रेस करना है ट्रेस फ्रंट बेसिक ब्लॉक इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ऑल मार्किंग्स ओके सो इसमें आपको सेंटर uh, फ्रंट का डार्ट एंड वेस्ट लाइन डाट ओके सॉरी वेस्ट लाइन डाट एंड साइड सिम का डार्ट आपको इसमें फॉर्म करना है ओके okay, एंड इसमें और एक लाइन क्रिएट करनी होती है जो कि शोल्डर लाइन uh, होती है मोस्टली शोल्डर प्रिंसेस जो फॉर्म uh, करते हैं उसके लिए शोल्डर लाइन क्रिएट करते हैं तो ये जो ड्राफ्टिंग होती है इसमें आपको शोल्डर लाइन क्रिएट करना होता है या आपको ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है ये जो लाइन uh, है ये अगेन प्रिंसेस लाइन है बट ये शोल्डर प्रिंसेस है जहाँ पे ये जो पोर्शन है शोल्डर से ये लाइन क्रिएट हुई है ओके okay? बट ये पोर्शन नेक के वहां पे ये ऊपर का अपर का पोर्शन कट हुआ है इसलिए वैसे वो आपको क्लियरली uh, नहीं समझ में आ जाएगा सो शोल्डर प्रिंसेस के लिए आपको ये जो पोर्शन है शोल्डर से जो लाइन क्रिएट की है वो शोल्डर प्रिंसेस लाइन आपको क्रिएट करनी होती है ऑफ शोल्डर के लिए ओके okay? बिकॉज ये मोस्टली फिटेड गारमेंट रहते हैं तो आपको ये जो प्रिंसेस लाइन की जो फिटिंग आती है उसके वजह से वो प्रॉपरली फिटिंग दिखती है सो so, फर्स्टली आपको बेसिक ब्लॉक ट्रेस करना है देन वेस्ट लाइन डार्ट एंड साइड सिम डार्ट आपको ट्रेस करना है यहाँ पे आपने जो प्योर पॉइंट का जो सर्कल फॉर्म किया है ओके okay? यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो प्योर पॉइंट से आपने सर्कल फॉर्म किया है वहां पे आपको सिर्फ ये एक जो पॉइंट है जैसे आपने देखा है है ये जो जो पहले की अंदर की लाइन वो रेगुलर आपने जो डार्क फॉर्म किया वो है ओके okay? एंड इसके बाद मैंने एक ये जो ऑरेंज कलर से लाइन क्रिएट की है ओके okay? इसके वजह से और फिटिंग अच्छे से बैठेगी इसलिए वो मार्किंग की है सो so आपको क्या करना है अराउंड वन इंच तक आपको एक लाइन uh, क्रिएट करनी है सेंटर पे एक ओके okay, मार्किंग करनी है एंड देन बोथ बोथ साइड पे आपको हाफ ऑफ इंच क्रिएट करना है सो so, यहाँ पे आपको वन इंच डाउन साइड एक पॉइंट मार्क करना है एंड देन लेफ्ट एंड राइट साइड पे हाफ ऑफ इंच पे एक पॉइंट मार्क करना है वहाँ पे ट्रैंगल uh, का जो पोर्शन आता है एक साइड पे वो ट्रैंगल फॉर्म करना है एंड देन uh, जो आपकी नीचे का जो डार्ट है वो एज इट इज कंटिन्यू करना है ओके okay, जो आपको इमेज में यहाँ पे दिख रहा है सेम वैसे ही आपको ये डार्ट फॉर्म करना है ओके एंड साइड सिम का जो डार्ट है आपको जो सिखाया है वैसे ही फॉर्म करना है यहाँ पे डायग्राम में जस्ट एक आपको थोड़ा सा ऊपर ये साइड का डार्ट दिख रहा है बट आपको जो सिखाया है वही आपको फॉलो करना है ओके सो ये दो पॉइंट्स आपको कंप्लीट करना है देन थर्ड आपको शोल्डर लाइन क्रिएट करनी है ओके उसके लिए शोल्डर के जो ये प्रिंसेस की लाइन है स्टाइल लाइन है वो आपको क्रिएट करनी है यहाँ पे आपको जस्ट एक स्टाइल क्रिएट करने के लिए इसका यूज होने वाला है सो so, उसके लिए आपको शोल्डर का मिड पॉइंट निकालना है ओके okay? सपोज ये ये इंचेस इंचेस की शोल्डर है उसका मिड पे एक पॉइंट मार्क करना एंड देन जो सेंटर फ्रंट सॉरी वेस्ट लाइन का जो डार्ट लिया है वहां पे आपको वही स्ट्रेट उसको आपको ज्वाइन करते हुए जाना है ओके okay? सो so, ये आपको ये लाइन फॉर्म करनी है शोल्डर की लाइन ओके ड्रॉ अ स्टाइल लाइन फ्रॉम मिड शोल्डर टू बस पॉइंट एंड फ्रंट बस पॉइंट डार्ट बस पॉइंट टू डार्ट लेग एट डा, वेस्ट लाइन ओके ये जो पोर्शन है ये डार्ट लेग है एंड वाला पोर्शन डार्ट लेग होता है सो so, आपको ये आ, शोल्डर लाइन क्रिएट करनी है देन उसके बाद आपको आ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी है जो कि आ, आ, आपको ऑफ शोल्डर के लिए फॉर्म करनी है तो उसके लिए आपको ऑफ ये जो आ, आम होल है ओके सो so, आपको ये आम, आम होल काउंट करना है सपोज ये एट इंचेस अगर आम होल आता है तो उसका हाफ फोर इंचेस पे होगा ओके सो फोर इंचेस पे ये यहाँ पे आपको एक पॉइंट मार्क करना है एंड देन वहाँ से स्ट्रेट सेंटर फ्रंट के वहाँ पे आपको नेक लाइन के वहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी है ओके okay, सो so, आपको आर्म होल का हाफ लेना है एंड देन उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी है ओके okay, सो so आपने हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट की है शोल्डर प्रिंसेस लाइन क्रिएट हुई है देन उसके बाद आपको ये जो जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट की है वहाँ पे ई पॉइंट मार्क करना है एंड डी पॉइंट ओके जो इमेज में आपको दिख रहे हैं सो ई एंड डी का जो है पोर्शन वो आपको लाइन ई एंड सी लाइन क्रिएट करनी है आपको ओके okay? देन उसके बाद ई टू सी का आपको हाफ करना है सपोज uh, 7 सेवन इंच उसका हाफ होगा थ्री पॉइंट फाइव ओके कैलकुलेशन करना है जस्ट आपको एंड देन उसका कैलकुलेशन का आंसर आपको सी टू डी फॉर्म करना है ओके सो ई टू सी ये आपको कैलकुलेट करना है उसका आपको हाफ uh, निकालना है एंड देन उसका कैलकुलेशन आपको सी टू डी लेना है सी टू डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई टू सी ओके सो ये आपको फॉर्म करना है देन डी टू ए पॉइंट आपको जॉइंट जॉइंट करना है देन ए टू डी का आपको हाफ लेना है अगेन F पॉइंट फॉर्म करने के लिए ओके okay? सो so ये F पॉइंट फॉर्म हो गया है एंड देन ऑफ शोल्डर का जैसे आपने देखा है वी शेप में नेक लाइन लिए है सो वी शेप आपको अगर क्रिएट करनी है तो ये अब अभ, अभी आपको वी शेप क्रिएट करना है तो जो नेक लाइन लिया है आपने ओके okay? जो बेसिक ब्लॉक में नेक लाइन लिया है वहां से आपको अराउंड थ्री टू फोर इंचेस सपोज थ्री इंचेस पे है तो ये पोर्शन फोर इंचेस पे रहेगा इट मीन्स जो नेक uh, का जो इसमें लेंथ uh, रहेगी वो एट इंचेस रहेगी टोटल बिकॉज ये सेंटर पे वी पॉइंट क्रिएट करा है ओके okay, सो so यहाँ से ये यह जो पॉइंट है यहाँ से आपको एट इंच ऑफ शोल्डर की लाइन होगी वो ओके okay? जो आपने ऊपर ब्लू कलर की स्टेप दिख रही है वो लाइन आपको यहाँ पे क्रिएट करना है देन ऑफ शोल्डर की आपको uh, कितने इंच की आपको पट्टी फॉर्म करनी है सपोज ये जो आप देख रहे हो जी टू एच वो उसकी लेंथ रहेगी सपोज आपको 2.5 की अगर आपको वो पट्टी लेनी है तो G टू H आपको 2.5 लेना है या फिर 2 इंचेस, ओके। स्टैंडर्ड मेजरमेंट में 2 इंचेस टू सो G टू H आपको 2 इंचेस और 2.5 लेना है ओके okay? देन F टू D आपको सेम उतना ही लेना है एंड क्रिएट करनी है ओके okay? सो so ये रहेगी ऑफ शोल्डर की लाइन ओके okay, सो so ये पट्टी आपको यहाँ पे फॉर्म करनी है हम यहाँ पे पूरे ड्राफ्ट में पूरा आ, पूरे शोल्डर की भी लाइन क्रिएट कर रहे हैं एंड ऑफ शोल्डर की भी लाइन क्रिएट कर रहे हैं ओके okay? उसको कटिंग के टाइम आपको थोड़ा सा इसमें ट्रेस आउट करना होता है सो so, फ्रंट ने आ, फ्रंट में आपने जो मार्क किया है सो so, आपको यहाँ पे ऑफ शोल्डर की लाइन क्रिएट की है देन उसके बाद एक जस्ट आपको चेंज करना है जो आपने शोल्डर लाइन क्रिएट की है वहां पे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं एक अराउंड वन फोर्थ इंच का आपको यहाँ पे पोर्शन जो है तो एक डार्ट फॉर्म हुआ है जो आपने शोल्डर लाइन क्रिएट की है ओके ये जो लाइन क्रिएट की है वहां से आपको वन वन लाइन बोथ साइड पे लेना है ओके वन लाइन लेफ्ट साइड पे एंड वन लाइन राइट साइड पे तो ये डार्ट टोटल वन फोर्थ इंच का होगा सो वन फोर्थ इंच पे आपको यहाँ पे डार्ट फॉर्म करना है जो कि इमेज में दिख रहा है सेम वैसे ही ओके उसके बाद बैक का जो ड्राफ्ट है उसको भी सेम ऐसे ही ट्रेस करना है शोल्डर लाइन क्रिएट करनी है वेस्ट लाइन डार्ट फॉर्म करना है जो ये पोर्शन है यहाँ पे स्लीव्स का पोर्शन ओके सो ये स्लीव्स की वहाँ पे पट्टी फॉर्म होती है वो पट्टी का पोर्शन सेम एज इट इज जो फ्रंट में किया है वैसे ही आपको फॉलो करना है सिर्फ इसमें बैक का जो डेप्थ है ओके बैक के डिप चेंज है तो इसमें आपको क्या करना है जो आपने सेंटर लिया है होल का वहाँ से एक इंच डाउन साइड पे लेना है सो एम पॉइंट आपको जो सेंटर रहेगी होल का वो पॉइंट है देन एम टू एन एम पॉइंट नीचे है एम टू एन वन इंच आपको डाउन साइड पे लेना है एंड देन ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है वो लाइन आपको क्रिएट करनी है जस्ट हल्के से राउंडेड लाइन क्रिएट होगी सो ये बैक का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है ये जो पोर्शन है वो सेम यहाँ पे ऑफ शोल्डर का बैक साइड का रेडी किया है शोल्डर लाइन जो शोल्डर प्रिंसेस लाइन क्रिएट हुए शोल्डर की जो पट्टी है वो फॉर्म हुई है ओके okay? सिर्फ इसको अभी आपको कटिंग नहीं करना है कर, करना है बिकॉज ये जो ब्लू की जो पट्टी है वो आपको ट्रेस आउट करके उसको अलग से आपको कट करना है क्योंकि ये जो ऊपर का जो पार्ट है वो यूज नहीं होने वाला है ओके okay, ये वेस्ट पोर्शन है उसके बाद ये पट्टी अलग से अटैच होती है एंड देन यहां से जो ब्लू लाइन है यहां से बैक का पूरा ड्राफ्ट रहेगा ओके सिर्फ आपको ये ड्राफ्ट कंप्लीट करना है उसको कटिंग नहीं करना है ओके okay? देन ये एक ड्राफ्टिंग पूरी कंप्लीट हो गई जो कि वी शेप में क्रिएट करना है सपोज अगर आपको जस्ट एक हॉरिजॉन्टल पे लाइन क्रिएट करनी है जहां जैसे आप देख रहे हो व्हाइट टॉप में आपको दिख रहे हैं सेम वैसे ही लाइन आपको क्रिएट करनी है तो जस्ट आपको क्या करना है जो बेसिक ब्लॉक आपका लिया है आपने ओके सेम आर्म होल से आपको होल आर्म होल कैलकुलेट करना है उसका हाफ लेना है देन वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी है ओके सेम बैक एंड फ्रंट आपको इतना कंप्लीट करना है ये है सेकेंड मेथड ओके okay, सो so आपको फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड में से कौन सी ही एक मेथड फॉलो करनी है एंड देन उसका ड्राफ्ट कंप्लीट करना है सपोज अगर सिंपल आपको एक हॉरिजॉन्टल पट्टी आपको क्रिएट करनी है तो ये ड्राफ्ट आप फॉलो कर सकते हो या फिर फर्स्ट वाला जो है वो यूज कर सकते हो ओके okay. इसमें भी ये जो पट्टी का जो पोर्शन है उसका मेजरमेंट इसमें दिया नहीं है उसको अलग से आपको कटिंग करके स्टिच करना होता है अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है वाइट का जो पोर्शन है ये ऊपर की अप, अप साइड पे ये पोर्शन ओवरलैप हुआ है ओके okay. सपोज अगर मुझे 2.5 की वो पट्टी की लेंथ चाहिए सो मैं वहाँ पे 5.5 पॉइंट की सिंगल स्ट्रिप्स की पट्टी लूँगी बिकॉज़ यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये पोर्शन ओवरलैप हुए हैं जैसे अंदर की साइड पे स्टिच करके ऊपर की साइड पे उसको टर्न करके उसको ओवरलैप किया है ओके okay? सो so ये इसके लिए आपको इसके डबल कपड़ा लेना है प्लस हाफ इंच स्टिचिंग सिमलम्स ऐड करना होता है ओके okay? सो so ये दोनों मेथड में से एक मेथड फॉलो करके आपको ड्राफ्ट कंप्लीट करना है सो so, कुछ और पैटर्न मैंने दिखाया जैसे आप ये एक है कि जैसे नेक का शेप यहाँ पे क्रिएट हुआ है जस्ट हल्का सा ऑफ शोल्डर दिया है बहुत ज़्यादा उसको ब्रॉड नहीं किया है एंड देन इसमें प्रिंसेस कट लाइन क्रिएट की है यहाँ पे आप देख रहे हो प्रिंसेस लाइन सो so, प्रिंसेस लाइन के लिए जो आपका बेसिक ड्राफ्ट है वही आप फॉलो कर सकते हो सिर्फ इसमें ये प्रिंसेस की लाइन वो जो पोर्शन है स्लीव्स की यहाँ पर वो अटैच हो जाती है अगर विदाउट डार्ट आपको क्रिएट करना है जैसे टॉप्स में आप देखते हो तो टॉप लूज रहेगा वहां पे आपको डार्ट फॉर्म करने की जरूरत नहीं है सो so, आपको जस्ट वेस्ट लाइन का डार्ट क्रिएट करना है देन आगे के पोर्शंस कंप्लीट करने हैं बिकॉज वो लूज ही रहने वाला है ओके okay? सिर्फ ये जो ऑफ शोल्डर का पो, जो पोर्शन रहता है वो फिटेड रहता है वो फिक्स रहता है ओके okay? सो so, ये आपको ड्राफ्टिंग कम्प्लीट करना है इसमें से एक कौन से भी ओके थैंक यू